हेलो एवरी वन सो वेलकम बैक टू नुस्रेत एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सीरीज़ ऑन डेप्थ फर्स्ट सर्च सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड फ्रॉम दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी एफ एस अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डी एफ एस तो आप पढ़ा नहीं रहे हैडिंग तो बाइनरी ट्री पाथ सम लिखा है तो डी एफ एस कौन पढ़ाएगा हाँ जी देखो ध्यान से सुनिएगा डी एफ एस और बी एफ एस दो तरह के ट्रेवर्सल्स होते हैं हमारे पास ट्री के अंदर यार डी एफ एस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कब पढ़ा है सोच के जरा सोचने की कोशिश करो डेप्थ फर्स्ट सर्च प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जो था वो डेप्थ फर्स्ट सर्च ही तो था ठीक है देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम नोड को एक डेप्थ में रीड uh, करते जाते हैं रीड करते जाते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू दिस से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्टार्टिंग में नोड थी राइट right? अभी समझने की कोशिश करेंगे याद करिए एक बार प्री ऑर्डर याद करने की कोशिश करिए प्री ऑर्डर में हम क्या करते थे डेटा प्रिंट करते थे फिर लेफ्ट में चले जाते थे फिर हम सेवन का भी डेटा प्रिंट करते थे फिर हम इसके लेफ्ट में चले जाते थे फिर हम नाइन का डेटा करते प्रिंट करते थे देन हम थ्री लेफ्ट uh, में चले जाते थे इस तरीके से हम कर रहे थे एंड वंस वी कंप्लीटेड दी लेफ्ट पार्ट ऑफ ईच नोड है ना और फिर और हमारे पास लेफ्ट अगर नहीं बचता था तब फिर हम राइट right में जाने की कोशिश करते थे मींस यहां से हम थ्री के लेफ्ट में जाएंगे तो नल बचेगा देन इस तरीके हम राइट में जाने की कोशिश करेंगे फिर वापस आ जाएंगे फिर नाइन के राइट में जाएंगे फिर वापस जाएंगे फिर सेवन के राइट में जाएंगे इस तरीके से हम करते थे तो मीन्स अगर हम किसी नोड से स्टार्ट करते हैं तो हम डेप्थ में जब जाते जाते रहते हैं तो डेप्थ में जाते रहने को हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च ठीक है तो एक्चुअल में डेप्थ फर्स्ट सर्च इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्टर ही पोस्ट ऑर्डर ही होता है तुम्हारे पास तीन तरीके से हम डेप्थ फर्स्ट कर सकते हैं ठीक है एंड इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इस केस में हमारे पास बाइनरी ट्री पाँच है तो लेट मी इंट्रोड्यूस ड्यूज दी फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आप उस पर पहले समझने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ये है कि आपको एक ट्री गिवन होगा उसका रूट नोड गिवन होगा राइट और आपको एक सम भी गिवन होगा तो अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास सम गिवन है वो सम हमारे पास ट्वेंटी थ्री गिवन है लेट से ठीक है द सम इज गिवन है इस ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी थ्री हमें एक सम गिवन है ठीक है फाइन अब हमें करना क्या है कि हमें रूट टू लीफ में एक ऐसा पाथ कैलकुलेट करना है जिसका सम ट्वेंटी थ्री के बराबर है तो अगर बराबर है तो वी विल जस्ट रिटर्न ट्रू अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स मीन्स जो भी हमें सम गिवन है ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ाऊंगा ठीक है थोड़ा लंबी कर सकता हूँ इस वीडियो को डोंट वरी अबाउट दैट बट बढ़िया से कर लेंगे ठीक है तो जैसे हमें सम गिवन है लेट से ट्वेंटी थ्री तो नाउ वी विल एम इन दिस पर्टिकुलर ट्री दैट इज देर एनी पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ क्या कोई रूट से लीफ तक ऐसा कोई पाथ है जिसका सम ट्वेंटी थ्री के बराबर है अगर है अगर ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स कि अगर सारे रूट टू लीफ पाथ में रूट टू रूट से लेकर के लीफ तक के सारे पाथ में जितने भी पाथ इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं अगर कहीं पे भी पूरे पाथ का सम मुझे 23 नहीं दिखाई देता है देन आई विल रिटर्न फॉल्स आउट ऑफ दिस एग्जांपल ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप बात अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास रूट से लेकर के लीफ तक के तीन ही पाथ है ठीक है हमारे पास रूट से लेकर के लीफ तक के तीन ही पाथ है तो वो तीनों पाथ कौन कौन से है उसको समझने की कोशिश करते देखिए ट्वेल्व से सेवन सेवन से नाइन नाइन से थ्री क्या इस पूरे पाथ का सम ट्वेंटी थ्री के बराबर है नहीं है राइट right? दूसरा दूसरा पाथ सम हमारे पास कौन सा होता हो सकता है रूट से लेकर के लीफ तक का लेट से ट्वेल्व से वन एंड वन से टेन तो ये एक रूट ये एक रूट से लेकर के लीफ तक का पाथ है ट्वेल्व वन टेन क्या इस वाले रूट का क्या इस वाले पाथ का मेरे पास सम ट्वेंटी थ्री आ रहा है येस yes, इसका पाथ का मेरे पास सम ट्वेंटी थ्री आ रहा है बिकॉज ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन एंड थर्टीन प्लस टेन इज ट्वेंटी थ्री एक पाथ हो रहा है हमारे पास जैसे कि ट्वेल्व वन एंड फाइव अगेन इस वाले एग्जाम्पल इस वाले पाथ का सम हमारे पास सिक्सटीन सॉरी ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन थर्टीन फाइव एटीन आ जाएगा अगेन इट इज़ नॉट इक्वल टू ट्वेंटी थ्री बट अगर पूरे ट्री के अंदर एक भी पाथ ऐसा एक्जिस्ट करता है जिसका सम टारगेट सम के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स ठीक है चलिए अब बात आती है कि हम इसको कंसिडर कैसे करेंगे ठीक है इट मीन्स अब के बारे में क्या करना है पूरा का पूरा रूट से लेकर के तक के पूरे रूट से लेकर के लीफ तक के जितने भी नोट्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना होगा तो देखो इस क्वेश्चन में इस बार मेरे पास ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवल्सल काम नहीं कर पाएगा ठीक है या फिर मैं यूँ कहूँ कि लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बार मुझे कुछ लेवल बाय लेवल नहीं चाहिए इस बार मुझे कुछ लेवल बाय लेवल नहीं चाहिए ठीक है वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग लेवल बाय लेवल इस बार हमारे पास जो टारगेट है वो रूट से लेकर के लीव तक के नोड्स जितने भी है उनको सम करना पड़ेगा ठीक है एंड अगर आपको ध्यान हो तो डी में जो हम सर्च करते थे वो आप याद करिए थोड़ा याद करने की कोशिश करिए हम सबसे पहले लेफ्ट में जाते थे हम पहले पूरा लेफ्ट वाला ट्री कंप्लीट करते थे देन हम फिर हम राइट में जाने की कोशिश करते थे ठीक है तो हम इस बार ऐसी ही करेंगे अच्छा अप्रोच क्या होगी हमारे पास इस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप समझने की कोशिश करिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस नोड पे जब आप इस ट्री के रूट नोड पे खड़े हो तो आपको जो सम की ज़रूरत है वो ट्वेंटी थ्री सम की ज़रूरत है आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़ ठीक है जब आप रूट नोड पे खड़े हो एग्जैक्टली टॉप नोड पे एकदम 12 के पास तो आपको जो इन हैंड में सम चाहिए आपको हाथ में जो सम चाहिए टोटल वो कितना चाहिए ट्वेंटी थ्री तो आपको इस पॉइंट इन टाइम पे जो सम चाहिए वो कितना चाहिए ट्वेंटी थ्री ठीक है आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस रूट से लेकर के जितना भी मैं लीफ तक जाऊंगा, मेरे पास सम 23 होना चाहिए ना वो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी हम किसी रूट नोड से किसी लेफ्ट या फिर राइट right पे कॉल करेंगे आप समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़ कि जब भी मैं किसी रूट नोड से किसी लेफ्ट या राइट right वाली नोड पर जाऊंगा तो लेट से क्योंकि हम पहले लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि डी क्या होता है डी एफ एस आप याद करिए प्री ऑर्डर पहले हम लेफ्ट ट्री को पूरा कवर करते थे तो लेट से मैं ट्वेल्व से पहले सेवन पे जाके जाने की कोशिश करूंगा पहले मैं लेफ्ट साइड के रूट से लेकर के लीफ तक के पाथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो जब आप सेवन नोड पे आ जाओगे है ना जब आप सेवन नोड पे आ जाओगे तो बेसिकली वॉट यू विल डू इज़ यू विल जस्ट डिक्रीमेंट योर सम कि पहले 23 में से अब आपको 12 तो मिल चुका है अब जो एक्चुअल में आपको सेवन नोड से समझिए वो कितना चाहिए जब आप 23 में से 12 को माइनस करोगे कितना बचेगा 11 बचेगा ठीक है तो अब आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जब मैं ट्वेल्थ पे था तो मुझे ट्वेंटी थ्री सम की जरूरत थी लेकिन ट्वेल्थ वाला सम तो मुझे मिल गया यार ट्वेंटी थ्री में आपने ट्वेंटी थ्री में से आपने इस मतलब आपको चाहिए था ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में से आपको ट्वेल्व तो मिल चुका आपको ट्वेल्व मिल चुका तो अब बचा हुआ सम कितना आपके पास इलेवन तो अब आपको इलेवन चाहिए 23 में से आपको 12 मिल चुका जो कि इस नोड को आपने कंसिडर कर लिया लेट से अब सेवन वाली नोड से आपको इलेवन सम चाहिए मतलब कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि सेवन नोड के बाद जितना भी पाथ बचा है लिफ्ट तक का उस पाथ में मुझे इलेवन चाहिए कैसे भी करके राइट चलिए नाउ वॉट यू विल डू इज़ अब करंट नोड पे आपके पास सेवन है तो आपने क्या किया आपने इस सेवन से लेफ्ट में कॉल कर दिया फिर से ट्री मतलब वो फंक्शन जो कि आपको आंसर रिजल्ट करेगा आप रिजल्ट रिटर्न करेगा उस फंक्शन को आपने इलेवन में से सेवन बोला कि इलेवन सम चाहिए ना तो सेवन मेरे को मिल गया इट मीन्स जब सेवन अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा फंक्शन मीन्स जब ये सेवन नाइन पे फंक्शन कॉल करेगा तो ये नाइन को ये बता रहा है कि सेवन और मैं ऐड कर रहा हूँ इलेवन के अंदर तो अब जो तुम्हें समझिए वो फोर समझिए ठीक है मीन्स इलेवन चाहिए था सेवन भी मिल चुका देखो ट्वेल्व मिला पहले ट्वेल्व के बाद सेवन भी मिल चुका अब जो एक्चुअल रिक्वायर्ड सम है वो है हमारे पास फोर है ना अब जो एक्चुअल रिक्वायर्ड सम है हमारे पास फोर पहले ट्वेंटी थ्री था फिर इलेवन था फिर अब फोर बचा क्योंकि ट्वेंटी थ्री में ट्वेल्व पहले मिला फिर बचा हमारे पास इलेवन था इलेवन में से हमें सेवन भी मिल गया अब हमारे पास बचा फोर अब हमें फोर फोर समझिए बचे हुए पाथ में से चलिए ठीक है अब देखिए ध्यान से अब आपको सम की ज़रूरत है फोर लेकिन आपको मिल रहा है नाइन है ना तो भाई आपने इस पॉइंट इन टाइम पे क्या किया था ट्वेंटी थ्री में से ट्वेल को माइनस किया था तब यहाँ पे इलेवन बचा था आपने इलेवन में से फोर को माइनस किया इलेवन में से सेवन को माइनस किया तब जाके यहाँ पे फोर बचा तो इस बार भी सेम तरीके से करेंगे हम कि फोर में से नाइन को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस फाइव बचेगा ठीक है तो इट मीनस अब आप नाइन से कॉल कर दोगे थ्री पे और बोल रहे हो कि अब जो तुम्हें समझिए वो माइनस थ्री चाहिए सॉरी माइनस फाइव चाहिए चलिए ठीक है अब जब तुमने माइनस फाइव में से माइनस थ्री को कॉल किया और इसके लेफ्ट में कॉल किया यहाँ पे तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में पड़ा है नल और मीन्स आप कह रहे हो नल से कि मुझे माइनस एट सम ला करके के दो तो अगर सम को डिक्रीमेंट करते 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 आपको आपको सम लास्ट में उसके बराबर नहीं मिलता है नोड के बराबर तो इट मीन्स यू विल रिटर्न नल यू विल रिटर्न यू विल रिटर्न फॉल्स इट मीन्स इस पॉइंट इन टाइम से आप इसको रिटर्न कर रहे हो फॉल्स आप इसको रिटर्न कर रहे हो फॉल्स आप इसको रिटर्न कर रहे हो फॉल्स एंड आप इसको रिटर्न कर रहे हो फॉल्स तो मीन्स फाइनली फाइनली इस ट्वेल्व ने बड़े विश्वास के साथ जो सेवन पे फंक्शन कॉल किया था कि भाई ये ट्वेल्व सेवन नाइन थ्री वाला जो पाथ है इस पर आई थिंक मेरे को ट्वेंटी थ्री सम मिल जाएगा तो उसके साथ हो गया विश्वासघात तो उसको मिला फॉल्स बोल रहा है कि नहीं मिला कि इस पूरे पाथ पे मुझे ट्वेंटी थ्री सम नहीं मिला ठीक है तो ट्वेल्व कहेगा कि ठीक है हमने लेफ्ट में तो ट्राई कर ट्राई करके देख लिया अब हम ट्वेल्व के राइट right में भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ट्वेल्व के राइट right में भी तो रूट टू लीफ पाथ है तो नाउ वॉट वी विल डू इज़ हम थ्री इस हम वापस से 12 पे आ गए और फिर से अब एक्चुअल में हमारा सम ट्वेंटी थ्री रिक्वायरमेंट है ठीक है हमारे पास क्योंकि हम फिर से 12 पे आके खड़, खड़े हो गए अब जब हम स्टार्टिंग नोट पे फिर से आकर के खड़े हो गए इट मीन्स हमें फिर से ट्वेंटी थ्री समझिए तो अब हम 12 से लेकर के जो बाकी के राइट साइड में रूट टू लीफ पाथ है उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे एंड जिस भी पाथ पे मुझे 23 सम मिल जाएगा लास्ट में उसको हम रिटर्न कर देंगे ट्रू अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स चलिए देखने की कोशिश करते हैं तो अभी क्या है कि सबसे पहले जब देखो जब ट्वेल्व का लेफ्ट वाला पूरा कंप्लीट हो गया तो अब ट्वेल्व के राइट right की बारी आई है आप याद करिए अपने प्री ऑर्डर इन ऑर्डर को लेफ्ट पूरा कंप्लीट करते थे देन हम राइट पे जाते थे ठीक है तो इट मीन्स अब हम बोलेंगे कि ठीक है 12 मिला तो 12 से तुम 1 पे फंक्शन कॉल करो पर 1 को मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि मैं ट्वेल्व पे था तो ट्वेल्व हम माइनस कर देंगे ट्वेंटी थ्री से तो हम वन को ये बताएंगे कि यार मुझे ट्वेल्व तो मिल गया अब तुम्हें इलेवन सम की जरूरत है हम वन को ये बताएंगे कि ट्वेल्व तो मिल चुका अब हमें इलेवन सम की ज़रूरत है राइट चलिए ठीक है अब वन वाली नोड से तुम्हें एक ऐसा पाथ कैलकुलेट करना है जहां पे सम हम इलेवन बन चु बन सके ठीक है अब क्योंकि तुम एक नोड पे हो तो जब याद करें जब भी हम किसी नोड पे होते थे जब भी हम किसी भी नई नोड पे जाते थे तो हमारे पास डी एल आर होता था तो डेटा प्रिंट करते थे पर जाते हमेशा लेफ्ट में ही थे तो अगर तुम किसी नोड पे आते हो तो हमेशा पहले तुम्हें जाने की कोशिश करनी है लेफ्ट में ही अगर तुम लेफ्ट में नहीं है मान लो कोई नोड लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है तब तो आप राइट पे जाओ लेकिन अगर लेफ्ट प्रेजेंट है तो आप पहले लेफ्ट को आपकी प्रायोरिटी लेफ्ट होगी ठीक है तो अभी क्या कह रहा है अभी वन ये क्या करेगा वन अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा और जब ये वन अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा टेन के पास तो ये बोलेगा टेन को कि देख मेरे पास मुझे एक्चुअल जो समझ चाहिए था वो इलेवन चाहिए था क्योंकि मेरे पे उसको वन मिला तो अब तुझे जो सम कैलकुलेट करना है वो टेन कैलकुलेट करना है ठीक है तो अब ध्यान से सुनिए कंक्लूजन क्या है आप इस तरीके से इट, आप इस तरीके से अगर किसी ऐसी नोड पे पहुंच जाते हो जो कि लीफ नोड है और वहां पे डेटा इक्वल हो जाता है ठीक है जैसे ट्वेल्व पे थे आप ट्वेल्थ पे थे और आपको सम थी रिक्वायरमेंट ट्वेंटी थ्री आपने वन पे कॉल किया और वन को बोला क्योंकि मैं ट्वेल्व से होकर के आया हूँ तो अब जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट सम की ज़रूरत है वो मेरे को इलेवन की ज़रूरत है क्योंकि ट्वेंटी थ्री में से ट्वेल्व माइनस हो गया ठीक है तो अब हम वन को बोलेंगे कि अब तू ऐसा एक पाथ ढूंढ कि तुझे कैलकुलेट तुझे इंक्लूड करके सम इलेवन मिल सके तो इसने बोला कि ठीक है पहले मैं लेफ्ट में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो इसने लेफ्ट पे कॉल किया और इसने वन इसने जब वन ने टेन को बोला कि बोला कि मुझे एक्चुअल में सम इलेवन की ज़रूरत थी वन मेरी वैल्यू है तो मैंने अपनी वैल्यू माइनस कर दिया अब तुझे जो कैलकुलेट करके लाना है वो टेन कैलकुलेट करके लाना है मीन्स तुझे एक ऐसा रूट टू लीफ पे जा जो 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 तुझे इंक्लूड करके टेन आ सके तो हम हर बार ये जरूर चेक करेंगे कि जिस पर्टिकुलर लीफ नोड पे हम हैं मतलब जिस नोड पे हम हैं क्या उसकी वैल्यू इस रिक्वायर्ड सम के बराबर हो गई है अगर बराबर हो गई है तो हम ये भी चेक करेंगे कि ये लीफ नोड भी होनी चाहिए बिकॉज एक्चुअल में हमें ना रूट टू लीफ पाथ कैलकुलेट करना है रूट टू लीफ रोट रूट टू नॉन लीफ पाथ नहीं कैलकुलेट करना हमें रूट टू नॉन लीफ पाथ कैलकुलेट नहीं करना में। हमें हमें एक्चुअल रूट से लेकर के फाइनल नोड जो कि लीफ नोड होगी उस तक का कैलकुलेट करना है ठीक है मैं दूसरा एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा जहां पर कंडीशन फेल हो सकती है ठीक है तो इट मीन्स अगर तुम किसी ऐसी नोड पर आ गए हो कि जहां पर नोड का डेटा तुम्हारे पास सम जो तुम्हें सम एक्चुअल में चाहिए उसके बराबर हो गया है और वो वाली नोड लीफ नोड भी है तभी यहाँ पर रिटर्न करोगे ट्रू ठीक है मीन्स आपको एक ऐसा पाथ मिला आपको एक ऐसा पाथ मिला ये वाला पाथ आपको एक ऐसा पाथ मिला ठीक है जिस पे जिसका जो टोटल सम है पाथ का वो 23 के बराबर है कैसे हमने 23 बोला क्योंकि 12 पे थे जब हमें 23 सम की जरूरत थी तो हमने 12 को इंक्लूड करा तो बचा हुआ सम कितना बचा 11 ठीक है अब हम 1 पे हैं तो 1 कह रहा है कि मैं 10 को बोलता हूं लेकिन अपनी वैल्यू घटा करके उसको भेज देता हूं तो वन पे थे हम तो इलेवन से हमने वन माइनस किया तो हमारे पास आया आप टेन अब हम एक ऐसी नोड पर पहुंच गए जहां पर डेटा बराबर है हमारे पास रिक्वायर्ड सम के हमारे पास जो डेटा है वो बराबर है रिक्वायर्ड सम के और अगर डेटा रिक्वायर्ड बराबर रिक्वायर्ड सम के बराबर हो जाता है और वो नोड लीफ नोड भी है तो भाई इट मीन्स मतलब क्या हो गया कि रूट से लेकर के लीफ तक तुम आ गए और तुम्हारे पास लास्ट में जो रिक्वायर्ड सम था वो नोड के बराबर हो गया इसका मतलब क्या है कि आपको रूट से लेकर के लीफ तक का वो पाथ सम मिल गया जो कि एक्चुअल में आपके रिक्वायर्ड सम के बराबर है ठीक है सो आप यहीं पर कर दोगे रिटर्न ट्रू आप यहीं से क्या कर दोगे रिटर्न ट्रू अब देखिए जब ये फंक्शन इसको रिटर्न करेगा ट्रू तो ये एक्चुअल में इसको रिटर्न करेगा ट्रू ठीक है तो यहाँ से जाएगा ट्रू ठीक है अब देखिए ट्वेल्व से लेफ्ट साइड से आ रहा है फॉल्स ट्वेल्व के राइट right साइड से आ रहा है ट्रू इसका मतलब क्या है ओवरऑल तो हमें मिला ना एक पाथ हमें ओवरऑल तो मिला ना एक पाथ तो हम एक कंडीशन कॉल करेंगे कुछ इस तरह की देखिएगा आप ध्यान से हम बेसिकली कुछ ऐसा लिखने वाले हैं कि एक मान लो हैज पाथ नाम का फंक्शन होगा हमारे पास ठीक है और हम उसको बोलेंगे कि अगर रूट के लेफ्ट से मान लो कुछ डेटा आ गया रूट के लेफ्ट से हमें सम की जरूरत थी मान लो लेफ्ट ने लेफ्ट ने बोला फॉल्स लेफ्ट ने बोला लेफ्ट से फॉल्स तो हम लेफ्ट से जो आंसर आया और कंडीशन के साथ बोलेंगे जो राइट right साइड से आंसर आया ठीक है तो हम बोलेंगे कि रूट डोट राइट और रिक्वायर्ड सम है एस तो हम बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एस सम है तुम लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो और तुम राइट right साइड से भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो तुम्हें जिस तरफ से मिल जाएगा मान लो लेफ्ट ने तो बोला ट्रू लेफ्ट ने तो बोला फॉल्स कि मुझे लेफ्ट साइड से तो मिला नहीं बट राइट right ने अगर ट्रू बोला कि हां मुझे राइट right साइड से एक बात ऐसा मिल गया तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा ओवरऑल जो आंसर होगा दैट विल बी दी ओर ऑफ दीज टू फॉल्स और ट्रू मींस ट्रू ठीक है आपको चाहे लेफ्ट साइड से मिले चाहे राइट साइड से मिले मिल तो रहा है ना तो दैट इज वाई वी विल बी कंसिडरिंग दी और बिटवीन दीज टू फंक्शंस ठीक है देखिए हैज़ पाथ फंक्शन कुछ नहीं आप याद करिए इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का एक्चुअल में कोड उसमें भी हम ये करते थे कि रूट के लेफ्ट पे कॉल करते थे रूट के राइट right पे कॉल करते थे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सॉल्व इंट्रीज यूजिंग दिस 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 काइंड ऑफ बी डीएफएस अप्रोच ठीक है तो ये है इसका ओवरऑल सोल्यूशन ठीक है अब मैं एक दो तो चीज़ें आपके डाउट्स जो हो सकते हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा और अगर नहीं भी होंगे तो वो डाउट्स आपके मन में आने चाहिए वो मैं क्लियर कर देता हूँ ठीक है नाउ लेट से आपके पास जो सम चाहिए होता है लेट से वो ट्वेल्व होता आप समझने की कोशिश करना मान लीजिए आपको एक ऐसा पाथ चाहिए होता जिसका सम ट्वेल्व होता ठीक है तो उस केस में हम क्या करते हैं देखो एक्चुअल में इस पॉइंट इस नोड पे तुम्हें कितना चाहिए सम ट्वेल्व आप ऐसा ज्यूम कर रहे हो कि स्टार्टिंग से ही टॉप नोड से हमें जो टोटल सम चाहिए वो ट्वेल्व चाहिए अब देखिए आप इस जिस नोड पे एक्चुअल में अभी खड़े हो उसी की वैल्यू ट्वेल्व के बराबर है उसी की वैल्यू ट्वेल्व के बराबर हो गई आप समझने की कोशिश करिए लेकिन लेकिन जिस नोड पर आप खड़े हो उसका लेफ्ट एंड राइट नल नहीं है आप जिस नोड पे खड़े हो उसका लेफ्ट एंड राइट नल नहीं है तो जिस नोड पे आप खड़े हो अगर उसकी वैल्यू ट्वेल्व आप एक्चुअल में आपके रिक्वायर्ड सम के अगर बराबर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि आपको सम मिल गया आपको रूट टू लीफ पाथ मिल गया नहीं आपको रूट टू लीफ ही चाहिए आपको रूट से लेकर के लीफ तक का ही पाथ चाहिए ठीक है तभी आप अगर रूट से लेकर के लीफ तक का आपको पाथ मिलता है तभी आप बोलोगे कि ट्रू अदरवाइज यू विल नोट से कि भाई मेरे को पाथ मिल गया राइट तो ऐसे केस में हम ट्रू नहीं बोलेंगे हमें रूट से लेकर के जो टोटल लीफ है पूरा देखो इस इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास तीन ही पाथ है एक तो ये वाला पाथ है पूरा रूट टू लीफ एक ये वाला पाथ है रूट टू लीफ और एक आपके पास ये वाला पाथ है रूट टू लीव अगर इन इन तीनों पाथ्स में किसी भी एक पाथ की सारी नोट्स का समय ट्वेल्व के बराबर अगर आता है तो यू विल से कि ठीक है रिटर्न करो ट्रू अदरवाइज यू विल से फॉल्स ठीक है नाउ लट से कि यहाँ पे इस वन की जगह लट से इस वन की जगह यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे माइनस फाइव होता तो अब लट से हमारे पास फिर से सम की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्वेल्व रिक्वायरमेंट है ठीक है फिर से हमारे पास सम की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्वेल्व रिक्वायरमेंट है तो देखो हम करेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू तो इस पॉइंट इन टाइम पर हमें जो सम चाहिए वो ट्वेल्व चाहिए ठीक है तो अभी हम नोड ट्वेल्व से कह रहे हैं कि मुझे टोटल सम ट्वेल्व चाहिए तो नोड बोलेगी कि ठीक है मेरा सम ट्वेल्व है लेकिन मेरा लेफ्ट और राइट नल नहीं है मैं लीफ नोड नहीं हूं इसलिए मैं अपने नीचे भी चेक करूंगी ठीक है ट्वेल्व नोड ये बोल रही है ठीक है तो ट्वेल्व नोड क्या कहती है ट्वेल्व नोड कहती है कि मैं सेवन को बोलती हूँ और मैं जो एक्चुअल में मेरी आपकी जो रिक्वायरमेंट है टोटल सम की मैं अपनी वैल्यू पूरी उसमें से माइनस कर कर देती हूँ तो ट्वेल्व नोड ने क्या किया अपना जो सम है वो बोला कि सेवन नोड को कि देख तू अब एक काम कर अपने को कैलकुलेट अपने को इंक्लूड करके एक ऐसा लीव तक का पाथ ढूंढ जहाँ पे तुझे सम टोटल जीरो मिल जाए तो सेवन नोड बोले कि ठीक है हम एक काम करते हैं मेरे मैं लीव नोड नहीं हूँ तो एक काम करते हैं है, है, मैं नाइन को बोल देता हूँ सेवन वाली नोड बोलते हैं मैं नाइन को नोड नाइन वाली नोड को बोलता हूँ और मैं इस टोटल सम में से अपनी वैल्यू माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस क्योंकि आप एक्चुअल में टोटल सम में से करंट सम करंट नोड की वैल्यू को माइनस कर रहे हो माइनस बचा तो अब नाइन वाली नोड बोलती है कि यार देखो मेरे पास एक्चुअल में मे, मैं तो इक्वल नहीं हूँ ना ही मैं लीफ नोड नोडूँ तो मैं अपनी जो लेफ़्ट नोड है मैं उसको बोलती हूँ ठीक है तो नाइन नोड ने क्या बोला नाइन नोड ने थ्री को बोला और उसने माइनस सेवन में से माइनस नाइन को मतलब नाइन को माइनस किया अपनी वैल्यू तो माइनस करेगा ना तो माइनस सेवन में से अगर इसने नाइन को माइनस किया तो कितना बन जाएगा माइनस सिक्सटीन देखो अब ऐसा हो सकता था कि इस थ्री की जगह माइनस सिक्सटीन होता है ना ऐसा हो सकता था कि इस थ्री की जगह माइनस सिक्सटीन होता तो अगर उस उस केस में माइनस सिक्सटीन होता तो आप देखिए जरा ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस नाइन और माइनस सिक्सटीन इन का सम कितना हो जाता टोटल एक्चुअल में ट्वेल्व ही हो जाता क्योंकि नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन तो सिक्सटीन से सिक्सटीन कैंसिल होता और ट्वेल्व हो जाता बट क्योंकि इस केस में जो लास्ट में नोड है इसका जो है सम सिक्सटीन के बराबर नहीं है और ये लीफ नोड है इस पॉइंट इन टाइम पर लीफ नोड है माइनस सिक्सटीन थ्री के बराबर नहीं और ये लीफ नोड है तो ये क्या करेगा अपने लेफ्ट में कॉल करने की कोशिश करेगा और जैसे ये लेफ्ट में कॉल करेगा तो यहाँ पे इसको मिलेगा नल यहाँ पे इसको मिलेगा नल और ये बोलेगा कि ठीक है नल वाली नोड को बोलेगा कि माइनस सिक्सटीन में से माइनस थ्री को माइनस करो ये बनेगा माइनस नाइनटीन अब अगर तुम नल पे पहुंच जाते हो तो क्या ही कैलकुलेट करोगे तो अगर तुम नल पे पहुंचते हो तो वहाँ आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स मीनस यहाँ से रिटर्न करेगा फॉल्स यहाँ से रिटर्न करेगा फॉल्स यहाँ से इसको रिटर्न करेगा फॉल्स एंड यहाँ से ये इसको रिटर्न करेगा फॉल्स बोलेगा कि मेरे को लेफ्ट साइड से एक भी पाथ नहीं मिला रूट टू लीव तो अब ये ट्वेल्व बोलेगा ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं हम एक काम करते हैं हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं और अपने राइट से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ट्वेल्थ नोड ने बोला माइनस फाइव वाली नोड को कि देखो मेरे पास एक्चुअल में ट्वेल्व सम है बट क्योंकि मैं लीफ नोड नहीं हूँ तो मैं अपने किसी नोड को बोलती हूँ क्योंकि टोटल बात चाहिए ना रूट टू लीफ तक का तो वो उसने माइनस को बोला कि अब एक्चुअल में रिक्वायर्ड सम है जीरो क्योंकि ट्वेल्थ था ट्वेल्थ नोड पर टोटल सम जो रिक्वायर्ड था वो ट्वेल्थ था तो ट्वेल्थ से ट्वेल्व माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो ठीक है माइनस हो गया ना तो अब वो माइनस फाइव वाली नोड को बोल रहा है कि तुम एक अपने को कैलकुलेट अपने को इंक्लूड करके कैसा रूट टू लीफ पार्ट ढूंढो जहां पे टोटल सम जीरो हो तो माइनस फाइव बोलेगा ठीक है ओके okay, माइनस अब तुम जीरो में से माइनस फाइव को ढूंढ रहे हो जीरो में से माइनस फाइव को माइनस कर रहे हो तो कितना बनेगा फाइव मीन्स अब आप क्या करोगे टेन वाली नोड को बोलोगे कि यार एक ऐसी नोड ढूंढो जिसका सम फाइव हो ठीक है तभी तो तुम्हें ट्वेल्व मिलेगा है ना तो तुम इसको बोल रहे हो कि तुम फाइव सम ढूंढो क्योंकि देखो तुम रिक्वायर्ड सम में से करंट नोड को माइनस करते हो दैट्स इट रिक्वायर्ड सम में से करंट नोड को माइनस करते हो तो हाँ पे मिलेगा तुम्हें फाइव तो ये बोलता है ठीक है ये फाइव तो बराबर नहीं है तो अपने नल अपने लेफ्ट पे कॉल करने की कोशिश करेगा ठीक है लेफ्ट पे कॉल करेगा तो बोलेगा फाइव माइनस टेन मीन्स माइनस फाइव के साथ बट क्योंकि नल है तो नल क्या रिटर्न करेगी फॉल्स तो ये भी फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अच्छा वैसे तो सारी की सारी ये नोट्स राइट में भी कॉल करने की कोशिश करेंगी बट राइट में नल पड़ा है तो ऑलरेडी वो रिटर्न कर देगा फॉल्स तो मीन्स इसको यहाँ से भी मिल जाएगा फॉल्स ठीक है तो जो फॉल्स मिला वो माइनस फाइव वाली नोड को मिला माइनस फाइव वाली नोड को लेफ्ट से फॉल्स मिला लेकिन माइनस फाइव वाली नोड को राइट से अभी कुछ नहीं मिला है तो वो अब क्या करेगा वो राइट पे कॉल करेगा तो माइनस फाइव पर जो एक्चुअल रिक्वायर्ड सम था वो जीरो था है ना तो अब जब ये माइनस फाइव फाइव पर कॉल करेगा तो ये बोलेगा कि तुम एक ऐसा नोट ढूंढ के ले करके आओ जो जीरो माइनस माइनस फाइव मीन्स प्लस फाइव के बराबर हो देखिए यहाँ पे भी तो फाइव ही चाहिए था यहाँ पे भी हमें फाइव ही सम चाहिए तो अब आप एक ऐसी नोड पे आ गए जिसका सम फाइव के बराबर है जिसका डेटा एक्चुअल में आपके रिक्वायर्ड सम के बराबर है और ये नोड लीफ नोड भी है तो जो एक्चुअल में जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आप सम को माइनस करते करते करंट नोड से माइनस करते करते अगर आप लास्ट में एक ऐसी नोड पर पहुँच जाते हो जिसकी वैल्यू आपके रिक्वायर्ड सम के बराबर है और वो लीफ नोड भी है तो इट मीन्स आपको एक ऐसी वैल्यू मिल गई आपको एक ऐसा रूट टू लीव पाथ आपको मिल गया जो कि आपके एक्चुअल रिक्वायर्स हम के बराबर है ठीक है सो दैट्स दी इंट्यूशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन ठीक है तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी राइट तो अगर मैं इसको आपको रिकर्जिव सोल्यूशन आपको दिखाऊँ मतलब किस तरीके से फंक्शंस कॉल होंगी ठीक है तो वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है ओके नाउ लेट्स सी द रिकर्सिव सॉल्यूशन दैट वी विल बी राइटिंग तो जो फंक्शन कॉल्स मैं आपको बता रहा था वो कुछ इस तरीके से होंगे देखो मान लीजिए आपके पास एक हैज़ पाथ नाम का फंक्शन है जिसको एक रूट नोड मिलेगी मान लो ये जो ट्वेल्व आपको दिखा दे रहा है ये रूट नोड का एड्रेस है मैंने नोड की वैल्यू लिख दी यहाँ पे बट यू जस्ट कंसिडर दिस एज एन एड्रेस एंड ये आपके पास रिक्वायर्ड सम है तो अब हैज़ पाथ राम का फंक्शन लेफ्ट में कॉल करेगा मीन्स दिस ट्वेल्व विल से टू से टू दिस सेवन कि यार अब एक्चुअल में जो तुम्हें जरूरत है वो इलेवन सम की जरूरत है मैंने अपनी वैल्यू माइनस कर दिया है तो जहाँ पे आपको इलेवन दिख रहा है ना बेसिकली यहाँ पे इलेवन नहीं होगा बेसिकली कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि जो आपके पास करंट सम है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी रूट नोट डेटा है रूट कौन थी ट्वेल्व थी रूट कौन थी ट्वेल्व वाली नोट थी तो इस हैज पाथ फंक्शन को जो वैल्यूज मिलेंगी वो कौन कौन सी मिलेंगी एक तो इस ट्वेल्व वाली नोड का लेफ्ट नोड जो कि सेवन है एंड ये जो इलेवन मिला ये क्यों मिला इसको क्योंकि टोटल इस सम में से ट्वेंटी थ्री में से आप माइनस कर रहे हो इस करंट रूट का डेटा ट्वेल्व को माइनस कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख रहे हो ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व तो ये सेवन और इलेवन जो वैल्यू आ रही है ये सेवन तो आ रही है बिकॉज यू आर राइटिंग रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट लेफ्ट आप लिख रहे हो दैट इज वाई दिस इज कमिंग एज दिस इज कमिंग एज सेवन एंड दिस इलेवन इज कमिंग एज बिकॉज यू आर माइंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस ट्वेल्व फ्राम दिस ट्वेंटी थ्री ठीक है सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक यूर फंक्शन कॉल्स नाउ अगर आपको रिकर्जिव ये फंक्शन function क्लियर है एंड फाइनली मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ ये वाला जो पात है ये आपको जो है ट्रू रिटर्न करके देगा दिस पात सो दिस दिस पात दिस पाथ विल गिव यू द एक्चुअल आंसर नाउ लेट मी शो यू द रिकर्जिव कोड फॉर दिस प्रॉब्लम सो दिस इज़ द फंक्शन देखिए तीन लाइन का कोड है बस ठीक है रिकर्जन के साथ यही बात है कि अगर आपको इंट्यूशन समझ में आ गई तो दो से तीन लाइन के अंदर कोड खत्म है ठीक है तो जैसे एक हैज़ पाथ फंक्शन है इस बार तो इसको मैं रूट नोड भेजूंगा और मैं एक्चुअल अपना रिक्वायर्ड सम भेजूंगा अब देखिए मैं क्या कर करके रहा हूँ कि अगर मैं किसी ऐसी रूट नोड में हूँ जो कि नल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली फॉल्स याद करिए जब हम रिकर्जी फंक्शन कॉल करते 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 अभी सबसे लास्ट में पहुँच गए थे तो हम वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर रहे थे है ना फॉल्स रिटर्न कर रहे थे लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी ऐसी नोड पे पहुंच जाते हो जिसका डेटा आपके सम के बराबर है जिसका डेटा सम के बराबर हो गया एंड वो लीफ नोड भी है लीफ नोड कैसे चेक करोगे कि उस नोड का डेटा अगर सम के बराबर है तो चेक करो कि क्या उसका लेफ्ट नल है और उसका राइट right नल है अगर उसका लेफ्ट एंड राइट नल है तो आप रिटर्न करोगे ट्रू याद करिए ये वाला फंक्शन जो आपके पास ट्वेल्व था ट्वेल्व से आपने कॉल किया था वन पे एंड वन से आपने कॉल किया था लेट से टेन पे तो आपके सम की रिक्वायरमेंट थी ट्वेंटी थ्री जब आपने ट्वेंटी थ्री आपको समझिए था तो आपने क्या किया आपने क्या किया था अभी क्या अब जरा इस फंक्शन पे आप रन करके देखिए करंट नोड है आपके पास ट्वेल्व क्या नोड नल है नहीं है कंडीशन नहीं चलेगी दूसरी कंडीशन चेक करिए क्या रूट का डेटा मीन्स ट्वेल्व क्या ट्वेंटी थ्री के बराबर है ट्वेंटी थ्री के बराबर है नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी रूट रोड कौन है ट्वेल्व सम कितना चाहिए आपको ट्वेंटी थ्री तो नहीं है बराबर तो रूट का डेटा ट्वेल्व है टोटल सम ट्वेंटी थ्री है तो नहीं चलेगी कंडीशन तो क्या चलेगा फिर ये चलेगा बोलेगा कि लेफ्ट से और राइट right से कैलकुलेट करके लाओ मान लो लेफ्ट वाला हमने पूरा इटरेट कर लिया ये जो पूरा इधर इधर की तरफ फंक्शन था वो हमने कर लिया आप राइट right वाला चेक करिए एक बार तो अब आप राइट पर कॉल कर रहे हो बोल रहे हो ट्वेल्व से कि आप रूट के राइट पर सेम फंक्शन कॉल करो इस पर सेम फंक्शन कॉल करो लेकिन उसको जो सम आप भेजोगे वो भेजोगे टो टोटल सम माइनस मेरे वैल्यू तो यहाँ आप इसको कह रहे हो ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व ठीक है तो अब क्या हुआ अब एक नया फंक्शन कॉल हुआ अब एक्चुअल में एक नया फंक्शन कॉल हुआ जिसको नोड मिल रही है वन और टोटल सम मिल रहा है लेट से इलेवन क्योंकि ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व इलेवन ये फंक्शन कॉल हुआ है ना रूट डोट राइट मतलब वन वाली नोड सम माइनस रूट नोड मतलब इलेवन तो अब आप इसके लिए फिर से चेक करोगे बोलोगे कि जो अब जिस करंट नोड पे आप हो क्या वो नल है नहीं है चलिए ठीक है आप जिस करंट नोड पे हो क्या वो एक्चुअल तो में आपके पास सम के बराबर है सम कितना है यहाँ पे इलेवन तो ये भी नहीं है तो ये भी कंडीशन फेल तो आप फिर से लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉल करोगे तो मान लो देखो लेफ्ट कॉल हुआ इसने लेफ्ट फंक्शन कॉल किया लेफ्ट कौन है करंट रूट करंट रूट कौन है वन वन का लेफ्ट कौन है ये वाली टेन तो अब जो यहाँ पे आपको एड्रेस रिसीव हो रहा है जो एड्रेस रिसीव हो रहा है रूट नोड का वो यहां पे रिसीव हो रहा है टेन और जो सम होगा वो कितना रिसीव होगा उसको चेक करते हैं करंट सम माइनस रूट रोड डेटा करंट सम कितना है इलेवन रूट का डेटा कितना है वन तो इट मीन्स इलेवन माइनस वन आप इसको भेज रहे हो टेन तो यहाँ पे आप इसको भेज रहे हो टेन और रूट डॉट लेफ्ट भेज रहे हो आप इसको टेन वाली नोड टेन वाली नोड है और ये है आपके पास सम तो यहाँ पे आपको टेन सम मिलेगा इट मीन्स यहाँ पर जो नोड है उस पर आप टेन और जो आपके पास रिक्वायरमेंट है सम की वो भी टेन है तो आप फिर से चेक करोगे कि जिस करंट नोड पर आप हो क्या वो नल है नहीं नल तो नहीं है तो हम आप चेक करोगे कि जिस करंट नोड पर आप हो क्या वो सम के बराबर है सम कितना चाहिए आपको टेन यस yes, वो सम के बराबर है अगर वो सम के बराबर है तो आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी आप ये भी चेक करिए कि, कि इसका लेफ्ट और इसका राइट right नल है तो yes, दोनों येस दोनों नल भी है अगर दोनों नल है इट मीन्स आप यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू ठीक है तो ये यहीं से इसको क्या कर देगा रिटर्न ट्रू कर देगा अब और कंडीशन का आपको ये और वाला कंडीशन राइट right वाला फंक्शन आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है वन के राइट right में क्यों क्योंकि और कंडीशन है और कंडीशन है तो अगर लेफ्ट से रिटर्न हो गया ट्रू तो राइट right से कॉल करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो दैट्स दैट्स स्पॉट ठीक है सोल्यून टू दिस क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड ठीक है तो आप देखो अब यही ये, ये सिंपल सा कोड है आपको मैं एक बार उसमें भी दिखा देता हूँ ठीक है जावा पाइथन सी प्लस प्लस में भी दिखा देता हूँ तो देखिए अगर रूट नल है तो रिटर्न करोगे फॉल्स अगर रूट का डेटा नल सम के बराबर हो जाता है और आपके पास उस उस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है तो आप रिटर्न करोगे ट्रू अदरवाइज यू विल रिटर्न दिस टू फंक्शंस कॉल्स कि आप लेफ्ट में कॉल कर रहे हो एंड राइट right में कॉल कर रहे हो तो आप लेफ्ट का एड्रेस भेज, sum भेज sum data, right रहे हो और सम की वैल्यू भेज रहे हो सम माइनस रूट डोट डेटा एंड आप सेम फंक्शन राइट में कॉल कर रहे हो एंड उसको भी भेज रहे हो कि दोनों पाथ से कैलकुलेट करके ले आओ आंसर जिससे भी मिलेगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे ट्रू है ना और सेम फंक्शन सेम फंक्शन आपके पास ये पाइथन के अंदर भी है ठीक है तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है बाकी स्ट्रक्चर पूरा कोड का सेम है जो पहले हमने बी में लिखा था वही स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे ठीक है तो दैट इज़ द क्वेश्चन एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है आई नो बट अगर पहली वीडियो में हम तरीके से पढ़ लेंगे तो जो आने वाली सारी वीडियोज़ होंगी उसमें मुझे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होगी ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे तो लाइक like ऑलवेज अभी ये जो हैज पाथ फंक्शन है ये किस तरह के बिहेव कर रहा है ये क्या आपके पास इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर का बिहेव नहीं कर रहा है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर का है ना सारे के सारे इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर का ही तो बिहेव कर रहा है तो इट मीनस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू बी बिग ऑफ एंड क्योंकि इन वर्स्ट के सिनेरियो यू विल बी इटरेटिंग ऑल दी नोड्स आप सारे नोड्स को इटरेट करोगे एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम याद करिए मैंने आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरीके से समझाया था कि अगर ट्री कुछ ऐसा हुआ अगर ट्री कुछ ऐसा हुआ ठीक है बिल्कुल लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट right स्क्यूड दो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है तो ये इस पर कॉल करेगा 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 तो, कर तो राइट वाली जो कॉल है ये राइट वाली जो कॉल है ये सबके लिए होल्ड पे चली जाएगी और जब ये सबके लिए होल्ड पे चली जाएगी तो इट मीन्स ये भी फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो ये भी स्टैक पे जाएगा ये भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो ये भी स्टैक पे जाएगा इसके लिए भी फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो ये भी स्टैक पे जाएगा एंड इसके लिए भी सारा स्टैक पे जाएगा तो एट मैक्सिमम जितनी नंबर ऑफ नोट्स होंगी आपके पास स्टैक के अंदर सारे के सारे रेक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जमा हो जाएंगे एंड वो उनका साइज भी हो जाएगा आपके पास एन के बराबर अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो ज़रूर जाके देखें वीडियो नंबर एट है ठीक है आप उसको चेक कर लीजिए चलिए ठीक है तो आई थिंक बढ़िया से समझ में आ गया होगा लिंक कोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है आप उसको चेक कर सकते हो एंड मैं इसका प्रॉब्लम का लिंक भी अटैच कर दूंगा सो दैट यू कैन यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन सम प्लेटफॉर्म चलिए थैंक यू वेरी मच आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड ब बाय